केजरीवाल उधर ही है, दिल्ली के उधर ही उधर। हाँ, इधर कोई नहीं है। अरे मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। हाँ, वो तो आएंगे तो जाएंगे, आएंगे तो जाएंगे, जाएंगे। राहुल गांधी पसंद नहीं है। राहुल गांधी है कहाँ के, मुझे तो यही नहीं मालूम आज तक। कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। मामा मामा दिल है धड़कने जाने हमारी। अरे और कमलनाथ, कमलनाथ कौन है? हाँ। जानते ही नहीं साहब, फोटो में देखा है, और क्या बोलते हैं न्यूज पे आते हैं उसमें देखा है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, होंगे होंगे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला कब मुख्यमंत्री बने और कब निकल गए। हाँ। अरे कह रहे 15 महीने बड़ा कमाल किया है। अरे 15 महीने मामा पैदल वो हेलीकॉप्टर में नहीं चलते हैं, पैदल चलते हैं मामा हमारे लिए। हाँ। पैदल आते हैं। हाँ। वो हेलीकॉप्टर में चलते हैं वो नहीं है मामा हमारे। अच्छा। पैदल चलने वाले मामा हमारा। हाँ। सब देश में निर्माण है उनका। अच्छा। हाँ मामा जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता। मामा ने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता यहाँ पे मध्य प्रदेश में। मामा ने ITI दी, कॉलेज दी। हाँ। लैपटॉप दिया स्टूडेंटों के लिए, स्कूटी दी, और क्या चाहिए इससे बढ़ के नौजवानों के लिए, और क्या होगा। हाँ। अच्छी व्यवस्था दी, विकास दिया। कमलनाथ आ रहे हैं, वो भी बहुत कुछ वादा कर रहे हैं, सरकार लाइए काम करेंगे। वो नहीं आए तो अच्छे ही, और आके करेंगे भी क्या। आए थे 15 महीने के लिए, क्या कह रहा। हाँ। कहा था 2 लाख कर्जा माफ होगा, हुआ क्या। यहाँ पे आप किसी से पूछेंगे 2 लाख, कोई किसान भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, किसी का हुआ माफ 2 लाख कर्जा। हाँ, तो भैया कर्जा माफ हुआ? अरे किसी का नहीं हुआ साहब। हाँ। कागजों में ही रहा बस। बढ़ेगा ही माफ कैसे होगा उनका। हाँ। वो तो लेते ही हैं ब्याज लगा के। अच्छा। माफ थोड़ी करते हैं, साफ करते हैं। हाँ। साफ करते हैं साफ। मामा क्या लग रहा है, कमलनाथ नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो भी क्या करेंगे वो। बस किसको चुन रहे हैं? मामा है हमारा। मामा मामा निर्माण करता है सब देश में, गली में, गांव में, गली में, सब घोषणा करता है। क्या कर दिया मामा ने? मामा ने सब कुछ कर दिया। हाँ। जो नंगे पैर चल रही था उनको रोड बना के दे दिया चिकना। हाँ। हाँ। और क्या कर दिया? अरे सब कुछ सहायता करता है मामा। हाँ। और कमलनाथ तो कह रहे हैं कुछ करता ही नहीं है। तो कमलनाथ के लिए नहीं करा होगा मामा ने। हाँ, उसके लिए तो वो कहेंगे, हमारे लिए तो करा है सबके लिए। अच्छा। हम तो अच्छा ही कहेंगे मामा को। हाँ। बहुत बढ़िया। फिर इस बार सरकार किधर जा रही है? सरकार किधर जा रही है? मामा का नहीं जाएगी सरकार। हाँ। वैश अरे मामा ही कहने जाएगी सरकार। हाँ। मामलात क्या कह रहे हैं देख रहे हैं? मामा की सरकार है, मामा के पास ही जाएगी। हाँ। किसी के पास नहीं जाएगी। अच्छा। हाँ क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आने दियो, देखते हैं हम तो, सभी को देखते हैं। हाँ। आने दियो, आ रहे तो उनका गांधी आ रहे हैं तो वोट किसको जाएगा फिर? मामा के पास जाएगा वोट तो। फिर भी जाएगा? हाँ। इतना क्यों पसंद कर रहे हैं सब लोग? कैसे नहीं करेंगे पसंद? मामा को इसलिए सब पसंद कर रहे हैं। हाँ। पूरी बुधनी विधानसभा में आप बख्तरा से लेकर बुधनी में किसी से भी पूछेंगे कि अपना विकास किया है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे मामा जानते हैं, हम सब लोग उनको मामा के नाम से, बुधनी से लेके बख्तरा तक आप किसी से पूछेंगे तो वो सब बस मामा का ही बोलेंगे। और इस बार हम कल आप जो ने सबने देखी थी जो मामा का जन आशीर्वाद यात्रा की रैली निकली थी, उस सब में हम सब लोगों ने उनको बढ़ चढ़ कर उनको ये बोला कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में हम माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान BJP की सरकार लाएंगे। और कमलनाथ कहाँ जाएंगे फिर? कमलनाथ जहाँ हैं बस वो वहीं रहेंगे। है? वहीं रहेंगे जहाँ वो अभी हैं। वो तो कह रहे हैं इस बार BJP को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल नहीं, अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार। आप तो बहुत बड़ा चैलेंज दे दिए। जी जी, 200 बार जाएगा भैया? बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। हाँ, नाम बताइए। शोएब खान। हाँ शोएब भाई, बताइए फिर क्या लग रहा है माहौल इधर? माहौल तो है, बिल्कुल है, BJP का ये माहौल है और यही रहेगा। आप देखिए 3 तारीख को सब आपके सामने रिजल्ट आएगा और 200+ करके जाएंगे इस बार। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आइए 3 तारीख को। राहुल गांधी आ रहे हैं तो माहौल नहीं बदलेगा? राहुल गांधी आ रहे हैं ये सुनते आ रहे हैं, ये भी बस बात है। हाँ। बस आ नहीं पा रहे हैं वो, बस आ ही रहे हैं, बस आएंगे। ही तैसी हैं आपके समाज के, कहते हैं बड़ा काम किया है मुस्लिमों के लिए। नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर तो हमारे मामा ही है, जो कुछ कर रहे हैं मामा ही कर रहे हैं, बस मामा ही को देखना चाहेंगे और आगे भी। हाँ। और मामा ही को देखेंगे 3 तारीख। ये बहुत बड़ी भीड़ लगी है, अगर हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे चारों तरफ जहाँ कैमरा घुमाएंगे, सब लोग काफी लोग जुड़ गए हैं, 10-15 लोग थे अब तक, अब काफी लोग जुड़ गए हैं। कोई कांग्रेस का है भैया? हाथ हो तो उठा दीजिए कांग्रेस का हो। पूरा साइलेंट मोड पे है। चाचा क्या नाम हुआ? नासिर। नासिर जी बताइए फिर। वो तो मामा जीतेगा, मामा है हम शिवराज सिंह जो। हाँ। जी वो हमारा साथी है, यहाँ हमारा जहाँ विकास कर रहा है, विकास के लिए वही सबके। अच्छा। सब मामा मामा कर रहे हो भैया?
आप बताइए क्या नाम हुआ? सलमान। सलमान जी, सलमान भाई बताओ किधर जा रहा है माहौल? कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। आप तो एक नंबर और आगे चले गए। जाना पड़ेगा ना, मामा है। हाँ। मामा है, जाना पड़ेगा ना आगे। तो मामा आ गई तो लेके जाना है। हाँ। पीछे थोड़ी लेके आ। राहुल गांधी वो तो गए। कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली वापस पहुँच गए। हाँ। वापस पहुँच गए। और कमलनाथ? कमलनाथ है कहाँ? यहाँ। अरे कह रहे हैं इस बार उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी। क्या क्या उखाड़ फेंकेंगे भाई? अब इस सरकार में अब ना रहने वाली है बीजेपी। तो मामा ने क्या गलत करा? हाँ। फायदा क्या पहुँचाया? क्यों नहीं पहुँचाया? देखो आप जाके गलियों में बताओ तो हमको। अरे भाई जो कुछ नहीं था सब कुछ तो दिया उनने। हाँ। सब कुछ दे दिया। और कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं दिया साहब। कमलनाथ ने? कमलनाथ ने नाथ दिया हाथ में। घेरो उसको जाके। या, क्या इतना माहौल बना रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं जीत रहे हैं मध्य प्रदेश। भैया तो कोई टक्कर में ही नहीं है ना मामा की, कौन जीतेगा मध्य प्रदेश? चाचा कोई तो बोलिए कांग्रेस के बारे में। हैं कांग्रेस के बारे में चाचा कोई बोल ही ना रहा है। कोई नहीं बोलेगा ना, यहाँ पे है ही नहीं कोई तो बोलेगा। कोई भी नहीं है, यहाँ से वहां तक आप लगाओगे उनकी सीट पे कोई भी नहीं बोलने वाला मिलेगा। सिर्फ मामा शिवराज सिंह मामा, इसके अलावा कोई बोलेगा ही। कुछ जादू वादू हो गया क्या सब पे? जादू नहीं हुआ, काम कराया ना, हर चीज की वो कराई है ना उन्होंने। हाँ। इसलिए कोई बोलने को तैयार ही नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाना, मामा के अलावा कोई नहीं बोलेगा। अच्छा। मामा का परिवार है साहब। हाँ। ये परिवार परिवार खिलाफ थोड़ी जाएगा मामा का। मामा का हर एक यहाँ पे परिवार, हर एक सदस्य मामा का घर का है, परिवार है। और सीएम हाउस मध्य प्रदेश का बुधनी विधानसभा का घर है। जब चाहो पहुँचते हैं, वहाँ पे सम्मान मिलता है। और मामा से जो दिल की बातें कहना हो, कुछ काम की बातें कहना हो, मामा सुनते हैं और कामों को पूरा करते हैं। ये बड़ा मामा मामा तो सब हो गया, आप थोड़ा सा बताइए मोदी के बारे में कोई है क्या? कुछ पता है मोदी के बारे में? नहीं, मोदी जी के बारे में सब कुछ। मोदी जी देते हैं जब तो वो यहाँ पे देते हैं हमें। हाँ, सीएम साहब भाई डबल इंजन की जो सरकार है। हाँ। मोदी जी चलता है, सीएम साहब के पास मामा के पास आता है, मामा चलते हैं तो हमें दे देते हैं मामा। हाँ। ये सब चीज वहीं से चल रही है। तो मोदी तो कुछ करते ही नहीं कह रहे हैं कांग्रेस वाले? नहीं, क्यों नहीं करते मोदी? हाँ। भाई चलते डबल इंजन की जो सरकार है। हाँ। तो एक के पीछे एक चलेगी तो वो तो लेके चलेगी ना साथ लेके सबको। हाँ। तो वही चलेगी। मोदी को कैसे इतना बढ़िया कह रहे हैं? कभी मिले हैं? कुछ फायदा मिल रहा है मोदी? नहीं मिले भाई, हमारा सीएम यहाँ का। हाँ। सब चीज जाकर अब जब बड़े जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ। तो हम लोगों की जाने की जरूरत ही क्या है वहाँ पे उनके पास? हाँ। वो तो खुद ले लेके आ रहा है हमारे पास। अच्छा। तो हमें जरूरत ही नहीं है जाने की उनके पास। तो मोदी फिर आएंगे? नहीं, मोदी जी को आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। मोदी जी का तो वैसे ही काम। अरे 24 में? 24 में आएंगे? 24 में तो आएंगे ना। 24 में मोदी आ रहे हैं? जब मोदी आएंगे 24 में। अच्छा। जब ये अभी आ रहा है तो मोदी 24 में मोदी जी आएंगे। हाँ। राहुल गांधी नहीं आएंगे? नहीं, राहुल गांधी नहीं आ रहा ना। अरे बहुत अच्छे नेता है राहुल। अरे अच्छे हैं, होंगे अच्छे, मगर हम लोगों के लिए नहीं है ना अभी अच्छे। राहुल गांधी एक तो दिल्ली के हैं वो। हाँ। तो हमें तो यहाँ मामा चाहिए और उनको चाहिए। हाँ। बस मोदी भी चाहिए? मोदी जी भी चाहिए हमें भाई। जब तो मोदी जी आएंगे, सीएम साहब आएंगे तो मोदी जी भी साथ में साथ आएंगे ना। जब चक्कर हमें तो मोदी जी देख रहे हैं कितने लोग एक साथ लड़ रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, मोदी किस बार हरा देंगे? नहीं, वो कुछ नहीं है, ये सब बातें हवा हवाई फेर। हाँ, जो दिया है तो पता चल गई सब भाग लिए उसमें कहा लेना, वो तो हवाई फेर चल लिया। वो मोदी के बड़े फैन दिख रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं दिख रहा, सब हवाई फेर चल रहा है बस। तो मोदी क्या मैजिक कमाल करेगा? कुछ कमाल करेंगे ना 24 में? करेंगे ना कमाल? हाँ। 24 में होगा कमाल। क्यों इतना पसंद है मोदी भाई? मोदी जी सब करा रहा है ना, सब जनता को लेकर चल रहा है ना साथ। हाँ। मोदी जी इसलिए पसंद है कि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं। हाँ। वो मध्य प्रदेश में लागू हैं और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उन योजनाओं को पूरी तरह से चला रहे हैं, जो कि यहाँ की जनता को हम लोगों के बीच में। हाँ। पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पब्लिक के बीच में पहुंच रही हैं, इसलिए मोदी जी भी पसंद सही हैं और सीएम साहब भी सही हैं। और राहुल गांधी पसंद नहीं है? राहुल गांधी हैं कहाँ के मुझे तो यही नहीं मालूम आज तक। अरे वाई नॉट से सांसद हैं? नहीं, वो ये कहाँ है? ये भी नहीं पता है? ये भी नहीं मालूम, नहीं है ना पता करने। अरे प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। देखो खोज उसकी करी जाती है जिसमें कुछ होता है, जिसमें कुछ है ही नहीं उसकी क्या खोज करेंगे। राहुल गांधी की खोज क्यों करें कि कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पैदा हुए, क्या मतलब उस? अच्छा, क्या मतलब उस? और मोदी की खोज?
भाई मोदी जी की खोज इसलिए कि मोदी जी से ऊपर से जो चल के जो आ रहा है वही तो यहाँ तक आ रहा है ना। हाँ। क्या तो 24 में मोदी जी आएंगे या राहुल? अरे मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे भाई। हाँ। क्या पसंद आया मोदी जी में, इतना क्या बढ़िया काम कर दिया? मोदी जी में क्या पसंद नहीं आया, मोदी जी की जो योजना है सबसे बड़ी योजना तो जो है वो आयुष्मान कार्ड की है कि हर गरीब को 5 लाख रुपए का फायदा। जब आदमी बीमार होता है तो बीमारी के अंदर सबसे ज़्यादा दुखी अगर कभी होता है तो वो उसी वक्त होता है कि उसके पास पैसा नहीं है और इलाज के अंदर पैसा लग रहा है। हाँ। क्या उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की या भीख मांगने की ज़रूरत नहीं रहती, 5 लाख रुपए उसके खाते में रहते हैं, उसे गर्व रहता है उस चीज़ का, वो जाके सुधर सकता जो है कि इलाज करवाता है वो अपना अच्छे से। भैया बोल रहे हैं विपक्ष वाले तो देश बेच रहे हैं मोदी जी। हाँ। जब तो पूरी दुनिया मोदी जी को पसंद कर रही है कि बोलो ना उनसे, दुनिया क्यों पसंद कर रही है मोदी जी को? अभी G20 हुआ उसमें क्या हुआ? हाँ। मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया, आज हाँ। पूरी दुनिया भारत के आगे झुक रही है। हाँ। और क्या चाहिए मोदी जी से? अच्छा जी, राहुल गांधी नहीं चाहिए PM? क्या करेंगे उनका? हाँ? क्या करेंगे उनका? विकास करेंगे, कह रहे हैं देश बेच रहे हैं मोदी, बचाइए इस बार। मोदी जी जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने आज आवास योजना दी, जो गरीबों के घर थे, बारिश होती थी बेचारे पानी में पड़े रहते थे, कोई हाल पूछने वाला नहीं था। आज मोदी जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है, तो आज गरीब से गरीब इंसान पक्के मकान में रह रहा है, हर व्यक्ति के पास एक अपना घर है। हाँ। और हर परिवार खुश है, और क्या चाहिए मोदी जी? देख रहे हैं कितने पार्टियां एक साथ आई हैं इस बार, कह रहे हैं मोदी को हराना है इस बार, जरूरी है। शेर तो शेर होता है, कितने भी इकट्ठे हो जाएं उससे होता है क्या है? शेर तो शेर होता है, मोदी शेर है बिल्कुल, अकेले काफी है सब पे। और राहुल गांधी? फिर राहुल गांधी अब होंगे वो जो भी हों। राहुल गांधी तो भीड़ में ही है ना, जुट में थोड़ा आगे आइए। वो 27 की जो जुट बनी है उसमें है ना राहुल जी तो? हाँ हाँ। अरे कह रहे हैं मोदी को हराना है। अरे शेर तो अकेला रहता है और लड़ाइये जुट में रहते हैं। हाँ अच्छा, हाँ बढ़िया लग रहे हैं मोदी। अरे मैं ही बढ़िया, क्या कह रहे हैं देश बेच दिए विपक्ष वाले। वो तो विपक्ष तो कहेगी, कुछ तो कहने को होना चाहिए मुँह। हाँ। तो वो तो कहेगी। हाँ। हाँ। और फायदा क्या? अरे सब कुछ फायदा, जहाँ रोड चलना नहीं पड़ता था। हाँ। जहाँ 70 साल तक रोड नहीं बना ये बस स्टैंड पे देख रहे हैं। हाँ। कितने लोग केजरीवाल, ममता बनर्जी, जीरो बटा है वो सब अपने अपने उधर है। हाँ इधर कोई नहीं है, सब जीरो है तो हीरो कौन है? हाँ जहाँ तो हीरो में मोदी जी है। हाँ। अरे केजरीवाल देख रहे हैं, केजरीवाल उधर ही हैं, दिल्ली के उधर ही उधर। हाँ इधर कोई नहीं है। अरे मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं? हाँ वो तो आएंगे तो जाएंगे, आएंगे तो जाएंगे जाएंगे। हाँ जहाँ कोई नहीं आएगा तो कैसे भेजने वाले हैं? पैदल या टिकट? पैदल, पैदल जाएंगे वो। हाँ पैदल भेज रहे हो? हाँ वो तो कह रहे हैं मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं। सपने देखने वाले कभी सपने पूरे होते क्या? हाँ चाचा क्या लग रहा है 24 में? 24 में क्या लग रहा है? चाचा से ही पूछो। हाँ? चाचा से ही। अरे आप भी बोल लो। नहीं नहीं क्या बोलोगे? चाचा से पूछो। देख रहे हो भैया इतने लोग तो सब मोदी को भी पसंद कर रहे हैं, अब क्या होगा राहुल गांधी केजरीवाल का? उनको इस्तीफे दे देना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। देश का विकास हो जाए मोदी जी के साथ में, शिवराज भैया के साथ में। हाँ। क्या बाकी कांग्रेसी जो है घर बैठे हैं सुकून से, अच्छी बात है उनके लिए। अरे ये बहुत विकास किए हैं मोदी जी, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग काहे चक्कर में पड़े हैं ऐसा? अरे कोई विकास नहीं कर रहा, क्या विकास कर? कांग्रेस की सरकार थी तो 30,000 रुपए देते थे कुटीर, आज 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं मोदी जी के जमाने में। हाँ जो लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। हाँ और मकान बना बना के दिए 5-5 लाख रुपए के। अच्छा। हाँ अरे चाचा 5 लाख रुपए के मकान बना के दिए मोदी जी ने। अच्छा। हाँ तो विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं। विपक्ष ने 70 साल में कुछ नहीं करा, जहाँ 55 साल रही कांग्रेस की सरकार। हाँ। क्या करा? जहाँ लोग अब रात में आते पहचान नहीं पाते कि ये गांव सहायगंज है कि सिटी है। अच्छा। हाँ तो मोदी बढ़िया? हाँ मोदी बढ़िया, शिवराज भैया ही बढ़िया। राहुल गांधी? अरे वो तो गए और चले जाएंगे, पैदल फिरते फिरते निकल लेंगे। सुन रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं? हाँ वो तो ऐसे ही कहेंगे जब मानिए बात। अरे क्या माने, देश बेच रहे हैं कह रहे हैं। अरे वो तो ऐसे ही कहते, कुछ तो कहने को होगा जब तो कहेंगे। भैया क्या लग रहा है, आ जाओ यार, शर्मा रहे हो हैं? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है?
बुधनी में, बुधनी विधानसभा और पूरे मध्य प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह जी की सरकार आएगी। उन्होंने शाहगंज में भी बहुत विकास करा है। हमको कॉलेज आईटीआई पढ़ने के लिए होशंगाबाद जाना पड़ता था, आज माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व से हम बता दिए हो, सुन लिए हैं। अब ये बताइए, अब होशंगाबाद भोपाल जाने की जरूरत, अब सुनिए तो हमारी बात जी, आपकी सुन लिए, मामक तो बड़ी तारीफ हो गई। अब थोड़ा बताइए मोदी कमियां क्या हैं जी? उनकी कोई कमियां नहीं है, जब तो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उनमें कोई कमियां होती जैसे राहुल गांधी में इतनी कमियां हैं, लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कमियां हैं? बहुत काफी कमियां हैं। कितनी उनकी गिनती कराएं, उनको यही नहीं पता कि आलू कहाँ से निकलता है और सोना कहाँ से निकलता है। हाँ जी, कह रहे हैं देश बेच रहे हैं मोदी जी। नहीं नहीं साहब, ये सब गलत है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए देख रहे हो कितनी पार्टियां जुटी हुई हैं इस समय मोदी को हराने के लिए। बस वो जुटी रहेगी, बाकी सरकार तो जो है मध्य प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान बीजेपी की सरकार ही आएगी। केजरीवाल भी देख रहे हो मध्य प्रदेश में आ गए हैं और हरा देंगे इस बार मोदी। आएंगे और आके चले जाएंगे मध्य प्रदेश से, नहीं पसंद कर पाएंगे जी मध्य प्रदेश लगते हैं। अरे यार शर्मा रहे हो बहुत। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि चाचा कह रहे हैं कि मोदी अनपढ़ हैं, उनको मत दीजिए देश। तो क्या हुआ, ये कहाँ के पढ़े लिखे हैं? राहुल जी कहाँ के पढ़े लिखे हैं? पढ़े विदेश से पढ़े हैं। पढ़े होते शादी कर लेते, नहीं कुंवारे क्यों पढ़े रहते हैं? हाँ भाई पढ़े लिखे होते शादी कर लेते, कुंवारे क्यों पढ़े? हाँ तो आपको शादी से बड़ी परेशानी है ही, परेशानी है? है? अभी शिवराज भैया हमारे साथ है, भाभी हमारे साथ है, है? सबके साथ है। इधर आइए थोड़ा सा, कह रहे हैं कि देख रहे हो क्या क्या कह रहे हैं सब? क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं वो भाई, कोई डर नहीं है जब तक शिवराज भैया घर है हमारे। अरे मोदी जी भी घर है। हाँ अब नहीं मिले किसी को चांस मोदी के अलावा, कहे नहीं मिलेगा। क्यों काम कर रहे हैं वो, देख रहे हैं कितने लोग। एक ही सरकार बोल्डर डलवाती थी हैं, और अब ये घोल डलवा के रोड बनवा रहे हैं, खेतों खेत वो पानी डलवा रहे हैं, मोटरें लगी हैं, बिजली मिल रही खूब जम के हैं, और भाव मिल रही है हमको खूब। तो मोदी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं भी पर काम नहीं कर रहे, हमारे पास लाओ उन्हें। केजरीवाल है, केजरीवाल लाओ हमारे पास, अभी झाड़ू खर्रा लगवाते हैं उससे, चलो खेत में मोदी जी की बनाई हुई फसल में। अच्छा हाँ, 5,000 रुपये क्विंटल धान बिक रही है। अच्छा हाँ, तो कह रहे हैं किसान बड़ा परेशान है। ये हम तो परेशान, बहुत खुशहाल हैं शिवराज भैया और मोदी जी जब तक। अच्छा हाँ, मोदी के कुछ लोग कहेंगे अंधभक्त हो गए हो मोदी जी। अंधभक्त क्यों होगा, हम क्या नशा थोड़ी करते हैं? हाँ, नशा करने से शिवराज बुझाते हैं वहाँ। हाँ, राहुल जी तो कांग्रेस सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार 15 महीना रही है, उसने क्या कर रहा है? उनमें खुद में एकता नहीं है, वो क्या करेगी देश की सेवा? अरे देख रहे हैं 24 में हराने की बात हो रही है, ये 15 महीने रही, 15 महीने में वो खुद ही एकता नहीं कर पाई, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी में चली गई वो। क्या कह रहे हैं, 34 में भी नहीं हरा पाएंगे, 24 की तो बात की बात है। हाँ मोदी कॉन्फिडेंस, हाँ है वो तो, हम में नहीं दादा में भी है। हाँ मोदी दादा जब तक जिंदा है वो कोई नहीं हरा सकता उनको, रेजा शिवराज भैया को। हाँ कल रैली नहीं निकली थी उनका, रैला निकला था। इस बार रैला किसका निकालेंगे फिर 24 में? कौन का? शिवराज भैया 24 में देख रहे हैं मोदी जी। अरे राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी वो तो उधर ही उधर खेलेंगे गंगा जमुना में, इधर नहीं आ सकते नर्मदा किनार में। हाँ नर्मदा वाले क्या करेंगे इस बार, मोदी के साथ रहेंगे? हाँ मोदी के साथ हैं हम तो। हाँ मोदी जी और शिवराज भैया हमारा देश बेच रहे हैं बोल रहे हैं। किसने कहा बेच रहे हैं, लाभी तो रहे वहाँ से तोपें खरीद खरीद के। हाँ वो नहीं देख रहे हैं उनको, इतना परेशान कहा है विपक्ष वाले, वही वो परेशानी, उनके घर की बात है वो। हाँ अपने क्या करना भाई, वो उनकी शादी नहीं हो रही नहीं एक दूसरे की, इसलिए वो परेशान है। अच्छा हाँ। अरे यार चाचा थोड़ा सा बताइए, कुछ तो बताइए, कमियां तो कुछ तो होंगी भाई की कमी? भाई हमें कोई कमी नहीं लग रही, रोड बनवा दी उन्होंने, खेतों खेत हैं, गांव में बन गए, मकान बन गए पक्के। हाँ। और क्या चाहिए, पानी मिल रही है, रोटी मिल रही, सब चीज मिल रही, इन्होंने सब सुविधा दी है। हाँ खूब मिल रहे हैं हमें, सरकारी पैसे मिलते हैं। अच्छा 6,000 रुपये मोदी देखते हो भैया? मोदी जानते हो? देखे रोज देखे। हाँ। टीवी में भी आवे सर्व। हाँ। सब आवे। अच्छा हाँ मोदी बढ़िया लगते हैं? हाँ उनकी स्पीच का राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वे खराब है? आपको भी खराब लगते हैं? सकाल ही नहीं देगी फिर कैसे लग। ये देखिए मामा की रिपोर्ट कार्ड तो ले ही रहे थे, साथ ही 2024 को लेकर भी कुछ सवाल थे और जानने की कोशिश थी कि क्या कुछ कह रहे हैं। चाचा तो पूरा कमाल कर दिए हैं,
बाकी आप लोगों क्या कुछ राय है जरूर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।